एन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी लिस्ट एक बार फिर जारी की गई और बहुप्रतीक्षित दमोह जिले की 3 अन्य विधानसभाओं के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में जहां दमोह विधानसभा से मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया को फिर से पार्टी ने अपना दमोह विधानसभा 55 से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं 2 अन्य विधानसभाओं में जवेरा विधानसभा से धर्मेंद्र सिंह लोधी और हटा विधानसभा से पूर्व विधायक उमा देवी खटीक को प्रत्याशी बनाया गया है। जयंत मलैया को टिकट मिलने के बाद समर्थकों की भीड़ एक बार फिर मलैया मिल में नजर आई। यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के द्वारा फूल मालाओं से जयंत मलैया का स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी बात कही। इसके साथ ही ढोल लगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जयंत मलैया को दमोह विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। सामान्य सी बात है, वर्षों हो गए चुनाव लड़ते, दशकों हो गए, मेरे लिए कोई नई बात तो है नहीं। इस बार किस प्रकार की स्थिति नहीं है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किस प्रकार की स्थिति? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। चुनाव में उपचुनाव जिसमें शामिल है, भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? कोई रणनीति नहीं, चुनाव जनता को चुनाव लड़ना है, रणनीति तक जनता को बनाना है। नेता तो कहने की बात है कि रणनीति बनाते, कुछ नहीं होता इससे। चुनाव में विशेष मुद्दे क्या होंगे इस बार के? कोई मुद्दे सामान्य हैं, वही रहते हैं। विकास के मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं। काफ़ी समय लग गया पार्टी को आपका नाम? नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है, उसके तो हो रहे हैं। अजय टंडन 2 बार आपके प्रतिद्वंदी के रूप में रहे हैं, 3 बार अजय टंडन 2 बार आपसे चुनाव हार चुके हैं, 3री बार हाँ 2 बार हम लोग आपस में चुनाव लड़े हैं, 3री बार है, ठीक है।